हेलो बच्चों, तो देखें इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। व्हाई इज एडसोर्प्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन एडसोर्प्शन? तो देखें इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या की कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे वो देखते हैं। इसमें की कंसेप्ट यूज करेंगे एडसोर्प्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो क्या बोला हुआ है, एक्सोथर्मिक क्यों है। इसके लिए हम इक्वेशन देखेंगे, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ठीक है। डेल जी हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल एच एंथैल्पी, टी टेम्परेचर एंड डेल एस एंट्रोपी। अब देखो डेल एस क्या होगा, अगर कोई, देखो ये कोई सरफेस है सॉलिड, इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं तो एक बार तो पहले वो ज़्यादा इनमें एंट्रोपी थी, ठीक है। फिर जब ये यहाँ पर आकर एड्जॉर्ब हो गए तो इसमें क्या हुई, एंट्रोपी कम हो गई। तो S2 - S1 पहले ज़्यादा थी, बाद में कम होगी, तो ये जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। और देखो डेल जी जो है नेगेटिव होगा फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करवानी है तो डेल जी नेगेटिव होना ज़रूरी है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब डेल जी तो हमें नेगेटिव चाहिए ही, डेल एच एज इट इज रख देते हैं, टेम्परेचर है, और डेल एस क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो क्या निकल के आएगा, डेल एच माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अगर हमें ये नेगेटिव चाहिए दैट मीन्स डेल एच को नेगेटिव होना होगा एंड डेल एच का मैग्नीट्यूड ज़्यादा चाहिए टेम्परेचर से। ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, और इसी वजह से क्योंकि डेल एच नेगेटिव है ये एक्सोथर्मिक होती है एड्सोरप्शन, यही रीज़न है इसके एक्सोथर्मिक होने का। दूसरी बात ये है, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये एक्सोथर्मिक नेचर की क्यों होती है। फिर हमें देखना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक है फिजिसोरप्शन, और है केमिसोरप्शन। इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, फिजिसोरप्शन एंड केमिसोरप्शन। फिजिसोरप्शन में क्या होता है, जो सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होते हैं मॉलिक्यूल्स वो वंडरवाल फोर्स की वजह से होते हैं, और केमिकल्स केमिसोरप्शन में केमिकल बॉन्ड की वजह से होते हैं। इसमें कैसे होगा, देखो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फिजिसोरप्शन में टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो एड्सोरप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा डिक्रीज, क्योंकि एंट्रोपी कम हो रही है। केमिसोरप्शन में क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है सो फर्स्ट एड्सोरप्शन इंक्रीज, इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। इसका देखो कि ग्राफ है वो देख सकते हैं, एड्सोरप्शन ये फिजिसोरप्शन के केस में है टेम्परेचर को, देखो टेम्परेचर से। और यहाँ पे देखो केमिसोरप्शन में ये ग्राफ कैसा होता है,
इनमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। तो इसमें ये ग्राफ कैसा होता है, पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।